जाना पड़ेगा भरना। बारा सिंघा हो या कछुआ, हिरन हो या खरगोश, इनको अगर सताया तो हम रहेंगे ना खामोश। मिलजुल कर सब रहो प्यार से, छोड़ो ये तकरार। इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा यार। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैं रोका नहीं हूँ बेटे, मैं तो तेरी बातें सुन रही थी। मम्मी, अब तो तुम राजा से नाराज नहीं हो ना? नहीं बेटे, क्या मैं तेरे दोस्त से नाराज हो सकती हूँ? चलो अब तुम दोनों जल्दी से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें शहर जाना है डैडी के साथ, बड़े डॉक्टर के पास, है ना? चलो। क्या हुआ? अंजू, अगर तुम चाहती हो तो मैं निशांत को शहर ले जाते वक्त भक्ता को कहकर राजा को जंगल में छुड़वा देता हूं। क्यों? आप ही नहीं तो कहा था कि जंगल में उस मासूम की जान को खतरा है? मैं क्या करूं अंजू, मुझसे तुम्हारी नाराजगी भी तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूं? एक संतान के लिए उसकी माँ को जो कुछ भी करना पड़े वो करती है। जी तुम वाकई बहुत बहुत अच्छी हो। ओ, तो अब तक मेरे बारे में आपकी राय कुछ और थी क्या? डॉक्टर साहब, बच्चे को बाहर भिजवा दीजिए। जाने निशांत को बाहर ले जाओ। बेटा बाहर जाने। जाओ बेटा। मिस्टर जोशी, आई एम सॉरी, आपने निशांत को यहां लाने में बहुत देर कर, अब उसकी टांगें ठीक नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आखिर मेरे बेटे को ऐसा क्या हुआ है जिसका इलाज नहीं हो सकता है? मिस्टर जोशी, निशांत की रीढ़ की हड्डी को काफी गहरी चोट पहुंची है, अगर उस पर फौरन ऑपरेशन हो जाता तो उसकी टांगें ठीक हो सकती, पर अब ये केस मुश्किल है। मैं मानता हूं डॉक्टर साहब कि ये केस मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। मिस्टर जोशी, मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में इसका कोई इलाज मुमकिन हो। तो तब तक क्या डॉक्टर साहब हम ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे? इससे जोशी और कोई चारा भी तो नहीं, लेकिन आप निशांत के दिलो दिमाग में ये बात डालते रहें कि उसकी टांगें ठीक हो जाएंगी और वो एक दिन जरूर चलने लगेगा। वैसे वो व्हील चेयर पर जहां चाहे उधर उधर घूम फिर सकता है, और हाँ, हर 2 महीने बाद उसका चेकअप आप जरूर करवा लें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नहीं चंपा, बस और नहीं बस। अरे ये क्या बेटे, आज तो तू कुछ खा ही नहीं रहा है, थोड़ा सा चावल और ले ले। नहीं मैम, आज कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। चंपा, ये दाल और चावल अंदर कमरे में ले जा, और देख बहू और निशान को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अच्छा ठीक है दादी मां। बेटे आज तो बहुत खामोश दिख रहा है, क्या बात है? माँ वो शहर से आया हूं ना, इसलिए काफी थकान महसूस कर रहा हूं। सच कह रहा हूं ना बेटे, मैं तुझे थोड़ा सा भी परेशान दिखती हूँ ना तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है।
अच्छा एक बात बता, शहर के डॉक्टर ने निशांत के बारे में क्या बताया? वो चलने फिरने तो लगेगा ना? अब क्यों नहीं मां, बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा निशांत, वो फिर से भागने दौड़ने लगेगा। लेकिन लेकिन क्या मां, उसको ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा, काफी इंतजार करना पड़ेगा हमें। नहीं नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। निशांत बिस्तर में क्या पड़ गया, मेरी तो जिंदगी थम गई है। कैसे वो दौड़कर मेरे पास आता था और दादी माँ करके मेरे सीने से लग जाता था। देख बेटे, तू कुछ भी कर, लेकिन मेरे पोते को जल्दी से जल्दी अच्छा कर दे। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा। देख, पैसे की फिक्र मत करना, तेरे पिताजी मेरे नाम पे कुछ रुपए रख के गए हैं बैंक में, तू सबके सब निकाल ले। लेकिन निशांत के इलाज में कमी मत होने दे बेटे, कमी मत होने दे। मां तू चिंता मत कर, उसके इलाज के लिए रुपयों का पूरा इंतजाम है। मैं तेरी हालत जानती हूं, अगर तेरे पास पैसे होते तो बहू का मंगलसूत्र जो सोनार के पास 2 महीने से रखा है वो शहर से आते वक्त लेने आते। बहू बिचारी कुछ बोलती नहीं है तो क्या, उसकी सुनी गर्दन मुझसे देखी नहीं जाती। अरे माँ, तुम भी कहाँ की बात को कहाँ जोड़ देती हो। मंगलसूत्र तो मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि सुनार ने अभी तक उसे बनाया ही नहीं। अब की बार शहर जाऊंगा तो मैं ले आऊंगा। बचपन की आदत अभी तक नहीं जाती, झूठ बोलते वक्त अभी भी आंखें चुराता है। अब अखबार पढ़ना छोड़ो और फ्रूट खा लो। लो बस बस एक मिनट, तुम तो जानती हो कि सोने से पहले मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। ये आदत छोड़ देनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि बुरी आदतें जितनी जल्दी छूट जाए उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, यानी अखबार पढ़ना बुरी आदत है? अखबार पढ़ना नहीं, लेकिन सोने से पहले अखबार पढ़ना, क्योंकि आजकल के अखबारों में लूटमार और बलात्कार के अलावा और कोई खबर होती ही नहीं। तुम वाकई सच कह रही हो। अब जरा ये खबर सुनो, एक कलयुगी सास ने दहेज कम लाने पर अपनी सुंदर बहू को केरोसिन डालकर जला दिया। बस बस रहने दो, इतना सुनते ही मेरी तबीयत घबराने लगी है। क्या तुम्हें अपनी सास से कोई खतरा है? जी नहीं, मुझे क्यों खतरा होने लगा? मैं तो उन भाग्यशाली बहू में से हूं जिसे सास की जगह मां मिली है। भाई कमाल है, यहां बहू अपने सास के गुण गा रही और उधर सास अपने बेटे को अपनी प्यारी बहू के मंगलसूत्र के लिए डांट पिला रही। क्या, मां जी ने मेरे मंगलसूत्र के लिए आपको डांटा? हां जी, खैर मां को तो मैंने उल्टा सीधा बहाना बनाकर समझा दिया, लेकिन मैं तुमसे सीरियसली प्रॉमिस करता हूं कि इस बार सैलरी मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारा मंगलसूत्र जरूर ला कर दूंगा। नहीं पंकज, मैं चाहती हूं कि तुम इस 5 तोले के मंगलसूत्र को बेच दो। अरे ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हो पंकज, अब निशान के इलाज के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम पैसों के लिए कितने परेशान हो। अंजना, मंगलसूत्र विवाहित स्त्री की पहचान है, उसकी शान है। पंकज, मैं एक विवाहित स्त्री ही नहीं बल्कि एक माँ भी हूँ, और रही मंगलसूत्र की बात तो मैं तुम्हारे नाम का काला धागा गले में डालूंगी और समझूंगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तुम्हारी भावनाएं अच्छी तरह समझता हूँ अंजना, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। पर निशांत के इलाज की तुम फिक्र ना करो, अगर रुपए कम पड़ गए तो मैं अपने प्रोविडेंट फंड में से लोन निकाल लूंगा, विश्वास रखो अंजना।
निशांत के इलाज में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। एक दिन हमारा बेटा भागने दौड़ने लगेगा। लेकिन वो दिन कब आएगा पंकज? बहुत जल्द। अंजना, ये अंधेरे डरावने जरूर होते हैं, लेकिन उजाला आखिर होकर ही रहता है। तुम देखना, हमारी जिंदगी में छाया ये गम का अंधेरा एक दिन दूर हो जाएगा। खुशियों से भरा उजाला हमें जरूर नसीब होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं जेके साहब का आदमी हूं, मेरा नाम विक्की डिसूजा है। कहो क्या बात है? सर, जेके साहब ने आपके लिए मिठाई भेजी है। मिठाई क्यों? आपके इस इलाके में पोस्टिंग हुई है, उसी खुशी में। ठीक है, ये मिठाई मेरे स्टाफ में बांट दो। सर, ये मिठाई आपके स्टाफ के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। मैं समझा नहीं। जो काम आप कर सकते हैं आपका स्टाफ थोड़ी ना कर सकता है। सर, ये देखिए। ये क्या है? पूरे 50,000 रुपए है सर। किसने? देखिए, सामने कहा है कि अगर एक कम है तो आपको और मिल जाएंगे। उन्हें ये भी पता है कि आपको अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की सामान खींच लूंगा अगर एक लफ्ज भी आके कहा तो। संभालो उसे, दफा हो जाएगा। दबा जा। सुनो, अपने जेके साहब से कह देना कि पंकज जोशी एक अपाहिज बच्चे का ईमानदार बाप कहलाना पसंद करेगा, लेकिन एक बेईमान अफसर नहीं, समझे? और तू अगर आज के बाद इस इलाके में नजर आया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। गेट आउट, गेट आउट। हे मिस्टर, कौन है तुम? सर, ये आदमी कौन था? सर, जेके का आदमी है। जेके का आदमी? मुझे खरीदने आया था। मुझे उसे लगता ये जेके कहीं उस गिरोह का सरदार तो नहीं है जिसकी हमें तलाश है? हो सकता है सर। नहीं, हो सकता है नहीं, उसकी इस हरकत से मुझे लगता है कि ये वही है, वही है। मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, काम की बात सुनो, शेरों की खाल लेके हमारे कुछ आदमी तुम्हारी तरफ आ ही रहे हैं। इन खालों की कीमत विदेशी मार्केट में 2 करोड़ है। हमें सिर्फ 1 करोड़ चाहिए, वो भी नगद। क्या कहा? 75 लाख? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रुपया कम नहीं लूंगा। देखो, हमारी तुम्हारी ये पहली डीलिंग है, इसलिए शायद तुम हमारे मिजाज से वाकिफ नहीं हो। हाँ, हम वो सौदागर हैं जो जितना तोलते हैं उतना वसूलते हैं। आई बात समझ में? ओके भाई। हेलो जेके। हाँ, कासिम भाई लकड़ा वाला। हाँ हुजूर, साग के 4 ट्रक आपके गोदाम के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या कहा? चंदन? अरे नहीं नहीं, चंदन की इस वक्त बात मत करिए, चंदन काटना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, हमने जंगल में अपना कारोबार अभी अभी शुरू किया है।
नहीं नहीं नहीं, परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। अरे हमने आज तक इतने जंगल साफ किए हैं, तभी तो लोग हमें जंगल किंग कह के पुकारते हैं। आइए हुजूर, आप तुम्हारे काम करने के तरीके से वाकिफ ही हैं। हम जब जाल फैलाते हैं तो अच्छे अच्छे परिंदे उसमें आकर फंस जाते हैं। बस एक परिंदा फंसना बाकी है, उसका नाम है पंकज जोशी। पंकज जोशी स्पीकिंग। जोशी साहब नमस्कार, हुजूर जेके बोल रहा हूँ। क्या बात है, हमारी भेजी मिठाई आपने कबूल नहीं की। खैर कोई बात नहीं जनाब, हम तो आपके चाहने वालों में से है। हमारी दिली ख्वाहिश इतनी है कि आपके बेटे के इलाज में कोई कमी न रह जाए। जेके, बेईमानी से कमाए हुए रुपयों से अपने अपाहिज बच्चे का इलाज करवाकर मैं उसे तुम्हारी तरह दिमागी तौर पर अपाहिज नहीं बनाना चाहता, समझे? कुछ गलत फहमी हो गई है आपको जोशी साहब। हम तो जंगल किंग हैं, शिकार करने से पहले दहाड़ना हमारी आदत है, और हमारे ख्याल से एक अकलमंद इंसान को ये जान तो प्यारी होनी चाहिए। कोई गलत बात तो नहीं ना की मैंने जोशी साहब? लेकिन तुम तो अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो चुके। अरे शेर कभी अपनी मर्जी से पिंजड़े में जाने की बेवकूफी नहीं करता है, लेकिन तुमने ये बेवकूफी की है विक्की डिसूजा को मेरे पास भेजकर। और अब यकीन मानो, अब तुम बहुत जल्द पिंजड़े में बंद होने वाले हो। जोशी साहब, लगता गलत फहमी पालना आपकी आदत हो गई है। अभी सरकार से बहादुरी के चंद मेडल क्या मिल गए, अपने आप को टार्सल समझने लग पड़े। देखिए हुजूर, आज तक कोई ऐसा पिंजरा नहीं बना जो इस जंगल किंग को कैद कर सके, और यकीन मानिए हम जिस रास्ते से गुजरते हैं शेर भी अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। कुछ समझे जोशी साहब? ए जेके, बार बार अपने आप को शेर कहकर क्यों शेर की तौहीन कर रहे हो तुम? अरे शेर तो राष्ट्रीय संपत्ति है, जबकि तुम और तुम्हारे जैसे इंसानी भेड़िए इस देश के लिए बदनुमा दाग है। ओहो, जोशी साहब आप तो बहुत जोशीले इंसान है जनाब। जोश से देश आजाद हो सकते हैं, क्रांति हो सकती है, लेकिन परिवार नहीं बसा करते। अपने परिवार की फिक्र कीजिए जोशी साहब, ये ईमानदारी और देशभक्ति का चश्मा उतार दीजिए, वरना अपने अपाहिज बच्चे को बैसाखियों के अलावा और कुछ नहीं दे पाओगे। जेके, बैसाखियां तो मैंने अभी से तैयार कर रखी है, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्योंकि जिस दिन तुम और मैं आमने सामने होंगे, उस दिन के बाद तुम्हें चलने के लिए इन्हीं बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छे जोशी साहब, बहुत अच्छे। नहीं, बैसाखियां खरीद कर तो आपने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि जिस दिन हमारा मुकाबला होगा यकीनन आपको बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी हुजूर। विकी, इस अफसर को तो ईमानदारी का डायबिटीज हो गया है, अब हमें इसका इलाज करना ही होगा। दुबे साहब, आप कहे तो मैं इस पंकज जोशी को खत्म कर दूं। आ जाए तो अपनी नंगी तुम लहराए, नींद से
इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा।